हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा एक रिक्वेस्ट वीडियो है जिसमें काफी लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि सर चिंगम का दाग या फिर चिंगम जब हमारे कपड़ों पर लग जाती है तब कैसे हम उसे निकालें। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही एक आसान और सरल तरीका बताएंगे जिससे आप किसी भी कपड़े पर लगी हुई चिंगम को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कॉटन टी शर्ट है जिसके ऊपर चिंगम लग गया है और ये काफी ड्राई हो गया है या काफी सूख भी गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये हमारे जीन्स की पैंट है जिसे पीछे के साइड पे चिंगम लग गया है और ये काफी सख्त हो गया है। अगर इन दोनों कपड़े से हम इसे हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही टायरसम प्रोसेस है और चिंगम निकलेगा भी नहीं और काफी सारे दाग रह जाएंगे और हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। यही सेम चीज अगर हम जीन्स के कपड़े पर भी कर रहे हैं, नाखून भी लगा रहे हैं, तब भी आप देख सकते हैं कि ये निकल नहीं रहा, ये बहुत सख्त सा हो गया है, बहुत टफ हो गया है और ये निकल नहीं रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे ये मिनटों में दोनों के ऊपर से निकल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने आइस के क्यूब्स ले लिए हैं, बर्फ के टुकड़े ले लिए हैं। इस बर्फ के टुकड़े को हमको दोनों के ऊपर अच्छे से एक आध मिनट के लिए रब करना होगा और फिर उसके बाद हम इन दोनों के ऊपर इस बर्फ के टुकड़े को, एक एक टुकड़े या फिर दो टुकड़ों को इसके ऊपर रख देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। करीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं और हम इस बर्फ के टुकड़े को हम ऊपर से निकाल लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो चिंगम है ये काफी सख्त हो गया है और बहुत ही मिनिमम सा प्रेशर अप्लाई करने से ये बहुत ही आसानी से निकल गया। क्योंकि हमने इसके ऊपर बर्फ के टुकड़े रखे थे, ये काफी सख्त हार्ड हो गया है और ये बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं ये निकल गया। जीन्स के कपड़े के ऊपर से भी हम देख लेते हैं ये कैसा हुआ है। तो इसकी भी बात करें तो ये काफी सख्त हो गया है, टुकड़ों में निकल रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बिना किसी प्रकार के दाग छोड़े आपके कपड़ों से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक इस्तेमाल कर हमने बहुत ही आसानी से चिंगम को अपने दोनों कॉटन और जीन्स के कपड़ों के ऊपर से निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और जैसे कि आपने देखा, बहुत ही आसानी से दोनों कपड़े के ऊपर से ये चिंगम निकल गई। आप नॉर्मल वॉश करेंगे और जो हल्के फुल्के स्टेन्स बचे हैं वो भी निकल जाएंगे और इस मेथड से ना ही आपका कपड़े खराब होंगे और ना ही किसी प्रकार का दाग आपके कपड़े के ऊपर रह जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।